नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने दावेदारी पेश करी है। शीशपाल बिष्ट की दावेदारी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, शीशपाल बिष्ट केदारनाथ उपचुनाव में टिकट की दौड़ में, कांग्रेस उन पर दांव खेल सकती है। अब सवाल आता है, आखिर शीशपाल बिष्ट पर क्यों दांव कांग्रेस खेल सकती है? आइए बीजेपी और कांग्रेस में बन रहे कुछ ताजा समीकरणों पर बात करते हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा की केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण से एक बात बहुत ही साफ हो गई, मनोज रावत के नाम पर कर्ण मेहरा सहमत नहीं है और हरक सिंह रावत के नाम पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल सहमत नहीं है। कर्ण मेहरा की यात्रा के दूसरे चरण के बाद मनोज रावत और हरक सिंह रावत के विकल्प की तलाश शुरू हुई। एक नाम तो कांग्रेस के रुद्रप्रयाग जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण का सामने आया और दूसरा नाम कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का नाम सामने आया। उस वक्त शीशपाल बिष्ट की मुलाकात हरीश रावत से उनके घर पर हुई थी। हरीश रावत ने शीशपाल बिष्ट को समर्थन का आश्वासन दिया था, यह बात कांग्रेस के सूत्र बताते हैं। कई मायनों में हरीश रावत और कर्ण मेहरा शीशपाल बिष्ट की दावेदारी पर सहमत है। पहली बात, शीशपाल बिष्ट एक ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं केदारनाथ में जिनके नाम पर कांग्रेस में गुटबाजी प्रदेश लेवल पर तो नहीं बनेगी। हाँ, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लोकल नेताओं में घमासान मच सकता है, वो तो हर दल में मचता ही है, वो तो बीजेपी में वहां पर मचता हुआ दिख रहा है। और फिर केदारनाथ के लोग कांग्रेस को वोट देंगे, मनोज रावत और हरक सिंह रावत को तो वोट देंगे नहीं, जो कांग्रेस का चेहरा होगा, पार्टी का जो वोट बैंक है, वो उसको वोट देगा। मनोज रावत और हरक सिंह रावत के वहाँ व्यक्तिगत कुछ वोट हो सकते हैं, लेकिन वो वोट भी आखिरकार कांग्रेस का वोट है। अगर मनोज रावत और हरक सिंह रावत अपने दम पर केदारनाथ को जीतने की इतनी बड़ी कुव्वत रखते तो वो वहाँ पर निर्दलीय भी लड़ सकते थे, पहले भी जीत सकते थे निर्दलीय लड़कर। अब आते हैं दूसरी बात पर। हरक सिंह रावत ने बहुत ही साफ साफ कह दिया है, अगर उनको केदारनाथ से टिकट मिलता है तो कांग्रेस में बहुत से लोग हैं जो यह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जा सकते हैं, उनको बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी कुछ लोगों से लड़ना पड़ सकता है। यानी बात साफ है, हरक सिंह रावत के नाम पर कांग्रेस केदारनाथ में बटेगी तो फिर हार सकती है। ऐसे टिकट के दावेदार को कोई पार्टी क्यों टिकट देगी? खुद ही कह रहा है जो, उनके नाम पर तो कांग्रेस में गुटबाजी हो जाएगी, गुटों में बट जाएगी। इस वक्त कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कर्ण मेहरा की बातों को गंभीरता से लेता है, खासकर इस बात को। कर्ण मेहरा जब खुलेआम कहते हैं कि कुछ सीनियर नेताओं के कारण उत्तराखंड में कांग्रेस की यह हालत हो गई है, दुर्गत हो गई है, कांग्रेस में बहुत से लोग हैं जो इस बात से सहमत दिखते हैं कि उत्तराखंड के कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं की वजह से कांग्रेस की हालत बिगड़ती जा रही है, और फिर मनोज रावत को लेकर गणेश गोदियाल और कर्ण मेहरा के बीच में पाला साफ साफ खींचता हुआ दिख रहा है। कर्ण मेहरा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बीच में भी पाला खींचता हुआ साफ साफ दिख रहा है। कांग्रेस में बहुतों का कहना है, अगर हरक सिंह रावत या फिर मनोज रावत में से किसी एक को टिकट मिला तो उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति बहुत हद तक हरियाणा जैसी हो जाएगी। यह कई जो राजनीतिक एक्सपर्ट है जो अपनी राय रख रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव पर, वे भी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन शीशपाल बिष्ट के नाम पर शायद ऐसा ना हो। कुछ और समीकरण पर बात करेंगे, लेकिन पहले आइए यह सुनते हैं शीशपाल बिष्ट अपनी दावेदारी पेश करने के बाद क्या कह रहे हैं। इसके बाद यह समझने की कोशिश करेंगे कैसे बद्रीनाथ की तरह शीशपाल बिष्ट एक फॉर्मूला हो सकते हैं केदारनाथ में जो असरदार साबित हो सकता है। क्या मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां जिस भी समय मुझे दी हैं मैंने निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन किया है, और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मेरा भी गांव है, मैं लगातार वहां पर जनता के बीच सक्रिय रहा हूं। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर तो जनता में मेरी भी अच्छी पकड़ है, और बहुत से मेरे वहाँ समर्थक चाहते हैं कि मैं केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़ूँ, और मैंने अपनी इच्छा से पार्टी को अवगत करा दिया है और मैंने अपनी विधिवत दावेदारी भी प्रस्तुत कर दी है। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे केदारनाथ विधानसभा से दावेदार बनाती है तो निश्चित तौर पर पार्टी को मैं वहाँ जीत दिलाने का काम करूँगा, और अगर पार्टी कोई भी निर्णय लेगी मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। लेकिन इस समय केदारनाथ की जो परिस्थितियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की राजनीति वहाँ पर कर रही है, जो झूठी घोषणाओं की राजनीति वहाँ पर कर रही है, भाजपा की दाल नहीं गलने वाली, और जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन बना चुकी। आपको याद होगा केदारनाथ में लखपत बुटोला को कांग्रेस ने मैदान में उतारा,
राजेंद्र भंडारी के आगे वो एकदम नया चेहरा थे। राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ में अपनी एक स्थापित राजनीतिक पहचान के तौर पर देखे जाते थे। राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ में 2022 के चुनाव में महेंद्र भट्ट को हराया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन उपचुनाव में वो कांग्रेस में दूसरी पंक्ति के नेता लखपत से हार गए। इसका बड़ा कारण कांग्रेस के वोटों का एकजुट होना और बीजेपी के वोटों में बिखराव होना रहा है, जो भंडारी के नाम पर बिखराव हो गया। केदारनाथ में भी ऐसा हो सकता है, वहां पर भी आशा नोटियाल, दिवंगत विधायक शैला रानी की पुत्री ऐश्वर्या रावत, कुलदीप रावत और कर्नल अजय कोटियाल में टिकट की दावेदारी को लेकर मारामारी है। इनमें से टिकट किसी को भी मिल जाए, बाकी नाराज होंगे, ऐसा लग रहा है। बगावत भी हो सकती है, जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की वहां दावेदारी हो रही है खुलकर। इसीलिए बीजेपी किसी नए चेहरे या फिर किसी पुराने स्थापित चेहरे पर भी दांव खेल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में बीजेपी का वोट आपस में लड़ाई में नहीं बटेगा, ये माना जा रहा है। लेकिन जो नाम सबसे अधिक सामने आ रहे हैं, उनमें से किसी एक को टिकट देने पर बीजेपी में लोकल नेताओं में घमासान हो सकता है। वैसे बीजेपी अपने लोकल नेताओं को साधने में एक्सपर्ट है, और यही वजह है कि जितने जिला इकाई ने नाम भेजे हैं, सारे के सारे नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दी गई है। बीजेपी में लोकल नेताओं में चल रहे घमासान का फायदा शिषपाल बिष्ट को हो सकता है, क्योंकि मनोज रावत और हरक सिंह रावत में से किसी एक के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस में भी झगड़ा तय ही माना जा रहा है। अब देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस केदारनाथ में किसको उम्मीदवार घोषित करती है, और इसके बाद बहुत से समीकरण तभी साफ हो पाएंगे जब उम्मीदवार तय हो जाएंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।